और ये मुंबई का एयरपोर्ट है। अभी हम यहाँ से दूसरी फ्लाइट पकड़ेंगे दरभंगा के लिए, फिर दरभंगा से अररिया और फिर उसके बाद अपने घर फारबिसगंज पहुँच जाएंगे। तो ये मुंबई का एयरपोर्ट है देखिए, और यहाँ से हम हवाई जहाज़ के लिए जाएंगे। तो देखिए इंडिगो लिखा हुआ है, ये देखिए हमारी हवाई जहाज़, इस हवाई जहाज़ से हम दरभंगा जाएंगे। और ये देखिए एयरपोर्ट के अंदर का हिस्सा कितना खूबसूरत लग, कितनी हवाई जहाज़ खड़ी है। ये हमारी हवाई जहाज़ है, अब हम जाएंगे हवाई जहाज़ के अंदर। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे हम। हवाई जहाज़ का सफ़र अब हमारा मुकम्मल होने वाला है दरभंगा जाकर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी पहली वीडियो आप तक पहुँचे। अब हम हवाई जहाज़ के अंदर जा रहे हैं, ये देखिए हम जा रहे हैं हवाई जहाज़ के अंदर। अब हवाई जहाज़ टेक ऑफ करने वाली है, तो ये लड़की हमें कुछ सेफ्टी के बारे में बता रही है। ये देखिए हवाई जहाज़ कितना अच्छा लग रहा है अंदर से, देखिए लड़की टेक ऑफ के बारे में बताती है, टेक ऑफ के बारे में कि सेफ्टी के बारे में कि आपको इस तरह करना है, इस तरह। एयर होस्टेस होती है ये, देखिए गाइस। अब हमारी हवाई जहाज़ उड़ने वाली है, तो ये देखिए कैसे उड़ती है और नीचे का सीन देखिएगा कितना खूबसूरत लगता है। चलिए देखिए, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं एकदम, छोटे छोटे, हालांकि वो बड़े घर हैं लेकिन छोटे छोटे नज़र आते हैं ऊपर से। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए गाइस कितनी अच्छी सीट मिली है कि कोई आदमी था ही नहीं, आराम से पैर फैला के सो रहा हूँ। ये देखिए हवाई जहाज़ के अंदर का हिस्सा कितना अच्छा लग रहा है। अब हम दरभंगा पहुँच गए हैं, अब यहाँ से हम अररिया फारबिसगंज होते हुए
अपने घर जाएंगे। मैंने एयरपोर्ट का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब हम अपना मदरसा पहुंच गए हैं। ये देखिए हमारी कार खड़ी है। ये मदरसे का थोड़ा सीन है, मैं मदरसे का एक अलग व्लॉग बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो अब हम फारबिसगंज पहुंच चुके हैं अपने मदरसे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और इस तरह का व्लॉग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।